क्या आप जानते हैं शहनाज गुरु रंधावा की चल रही है शादी की बातें और परिवार तक भी पहुंच गए हैं ये सारे किस्से। क्या कुछ हुआ है खास बताएंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में पूरी बात, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। शहनाज और गुरु रंधावा का एक प्रोजेक्ट साथ में आ रहा है, उनका एक म्यूजिक वीडियो मून राइज साथ में हम देख पाएंगे। बहुत जल्दी ये म्यूजिक वीडियो रिलीज किया जाएगा। गोवा की खूबसूरत लोकेशंस में इस सॉन्ग का पूरा शूट हुआ है और वहीं से बहुत सारे BTS वीडियोस पिक्चर्स सामने आ रहे हैं। और ये बात सच है, शहनाज और गुरु रंधावा बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी इनकी अदाएं लग रही है। जो वीडियोस सामने आए ना, जो BTS सामने आए, उन्हें देखकर फैंस का दिल खुश हुए जा रहा है। मतलब दोनों की केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। ये तो एक आम सी बात है, फैंस के दिल में ये बात है, न्यूट्रल ऑडियंस भी इन चीजों को जरूर नोटिस कर रही है। लेकिन इंडस्ट्री के लोग यार कैसी सोच रखते हैं, इनकी ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है रियल नहीं, ये रियल कपल है जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये रियल कपल नहीं है भाई। लोगों को ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही? यहां पर जो भी हो रहा है वो एक्ट हो रहा है, वो एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग के अकॉर्डिंग, सॉन्ग के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें की जा रही है। लेकिन लोग, इंडस्ट्री के लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं कि गुरु रंधावा को शहनाज से शादी कर लेना चाहिए। जी हाँ गाइस, इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर की तरफ से ये खबरें सामने आ रही हैं। मतलब उन्होंने एडवाइस दे डाली है गुरु रंधावा को उनकी ही पोस्ट पर कि आपको तो शहनाज से शादी कर लेना चाहिए। मैडम, सबसे पहले लड़की की मर्जी जानी जाती है ऐसी बातों में, और लड़का लड़की दोनों की ही मर्जी के बिना आप अपनी एडवाइस किस हिसाब से दे सकती हैं? भाई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग इस तरह की हरकतें और बातें करते हैं, लेकिन इनका मज़े तो सच में फैंस ने ले ही लिए हैं कि अगर आपको शादी करवानी है तो भाई खुद के बच्चों की कराओ। यहाँ पर शहनाज और गुरु रंधावा को उनकी मर्जी पर छोड़ दो। यहां पर जो भी हो रहा है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नजर आ रही है, ये ऑन स्क्रीन कपल है, रियल कपल नहीं है। आज शहनाज गुरु रंधावा के साथ काम कर रही है, कल किसी और के साथ काम करेंगी। पहले उनने MC Square के साथ काम किया, तो क्या सबके साथ आप ऐसे ही बोलते फिरोगे? सबके साथ क्या जोड़ियां बनाते फिरोगे? भाई ऐसा नहीं होता। शहनाज इंडस्ट्री में आई है, उन्हें काम करने दो, उनके दिमाग पर इस तरह से प्रेशर मत डालो। और आप ये सोचो, जब जिन लोगों के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हो वो भी एक सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, उनके दिलो दिमाग पर क्या असर होता होगा? उनके परिवार जब ऐसी बातें सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे? भाई आपकी ऐसी घटिया सोच, आप ही को मुबारक। शहनाज को अभी इंडस्ट्री में आना है, बहुत सारा काम करना है, और जब उनकी मर्जी होगी वो कोई भी फैसला लेंगी, उन्हें किसी भी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी भाई शहनाज को भी बहुत सारा काम करना है, उनकी पर्सनल लाइफ उन्हीं पर छोड़िए, जो वो डिसीजन लेंगी खुद ले सकती हैं, किसी को उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सभी लोग सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स को जी भर के सपोर्ट कीजिए। आपका क्या कहना कमेंट में आके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।